केंद्र मंत्री दानवी बोले, किसानों के विरोध प्रदर्शन के पीछे चीन और पाकिस्तान। केंद्र मंत्री राव साहेब दानवे ने बुधवार को दावा किया कि तीन नए कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर जारी किसानों विरोध प्रदर्शनों के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि संशोधित नागरिकता अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिक पंजी को लेकर पहले मुसलमानों को गुमराह किया गया, लेकिन ये प्रयास सफल नहीं हुए। उन्होंने कहा कि अब किसानों को बताया जा रहा है कि नए कानूनों के कारण उन्हें नुकसान होगा। दानवे ने महाराष्ट्र के जालना जिले के बदनापुर तालुका में गोल्टे तकली स्थित एक स्वास्थ्य केंद्र के उद्घाटन के दौरान ये बातें कही। उन्होंने कहा कि जो आंदोलन चल रहा है वो किसानों का नहीं है, इसके पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है। इस देश में मुसलमानों को पहले भड़काया गया, क्या कहा गया, NRC आ रहा है, CAA आ रहा है और 6 माह में मुसलमानों को इस देश को छोड़ना होगा। क्या एक भी मुसलमान ने देश छोड़ा? उन्होंने कहा कि वे प्रयास सफल नहीं हुए और अब किसानों को बताया जा रहा है कि उन्हें नुकसान सहना पड़ेगा, ये दूसरे देशों की साजिश है। हालांकि मंत्री ने इस बारे में विस्तार से नहीं बताया कि किस आधार पर उन्होंने ये दावा किया है कि किसानों के विरोध के पीछे दोनों पड़ोसी देश हैं। दानवे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के प्रधानमंत्री हैं और उनका कोई भी निर्णय किसानों के खिलाफ नहीं होगा।